हेलो फ्रेंड्स, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इसमें सब सेक्टर की कंपनी चाहिए, मे बी ऑटोमोबाइल, फार्मा, केमिकल, आईटी, पेनी स्टॉक्स, इस सब टाइप के शेयर्स हमारे आईटी सब टाइप के शेयर्स हमारे कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसी में से वन ऑफ द बेस्ट शेयर ऑफ केमिकल सेक्टर इज दीपक नाइट्रेट, जो कि मोनोपोली है उनकी। काफ़ी जो केमिकल्स बनाते हैं उसके अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स है। और ये शेयर 2000 तक चला गया था, जब मैंने बार बार कहा था इसको ले लो। 2100 तक भी गया था, जब मैंने बार बार कहा था ले लो। और अभी 2530 पे आज क्लोजिंग दिया एंड 52 भी खाया था 3000 रुपीज़। कंपनी फंडामेंटली साउंड है, आइए जानते हैं। इसका पी है 32 का, जो कि अच्छा है। आर ओ सी इज़ 40, बहुत ही शानदार आर ओ सी है। और आर ओ ई है 40, वो भी 40 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो 40। ई पी एस इज 78, दैट इज़ एक्सेलेंट। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.14। कंपनी करीब करीब डेट फ्री है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 46%, एफ आई आई के पास है 11% एंड डी आई के पास है 10.50%। तो कंपनी के प्रोमोटर्स का भी स्ट्रांग होल्डिंग है और एफ आई आई डी आई का भी होल्डिंग काफ़ी अच्छा है इसमें। क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 170 करोड़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 303 करोड़, एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 2 करोड़ 54 लाख रुपीज़। थोड़ा बहुत गिरावट आई है प्रॉफिट में, क्योंकि जो प्रेशर था रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गई थी, वो हिसाब से प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। पर इतना भी कम नहीं हुआ है कि डायरेक्ट वही 300 का डायरेक्ट 50 करोड़ 100 करोड़ हो गया है, थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है दिसंबर क्वार्टर अच्छा है, दिसंबर क्वार्टर अगर इसका बेटर आया तो यही शेयर हमें आने वाले दिनों में 3500 to 4000 का लेवल भी दिखा सकता है। मार्केट में भी थोड़ी मंदी, आज गिरावट हो रही है। अगर मार्केट और गिरा तो इसमें करेक्शन भी आ सकता है। आपको इतना ही कहूँगा कि बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी रखकर इस शेयर को अपने 510 शेयर्स ऐड करते रहिए पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। कंपनी एक्सेलेंट है, केमिकल सेक्टर का मल्टीपैकर, एक वन ऑफ द बेस्ट शेयर है ये, जिसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और इस बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।